नमस्कार। आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। राउरकेला स्टील प्लांट की वार्षिक झलकियां, एडीयू 2017 का विमोचन। एमआरडी विभाग में माह का कर्मचारी पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित। और राउरकेला स्टील प्लांट के इस्पात विद्या मंदिर में वार्षिक दिवस एवं पुरस्कार वितरण समारोह 2017 आयोजित। अब समाचार विस्तार से। जनसंपर्क विभाग द्वारा राउरकेला स्टील प्लांट टेलीविजन सेंटर सेक्टर 19 में वार्षिक झलकियों को प्रदर्शित करने हेतु 29 दिसंबर को एक समारोह आयोजित किया गया। कार्यपालक निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन श्री पी के प्रधान इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर उपमहाप्रबंधक जनसंपर्क एवं सीओसी श्री रमेंद्र कुमार की उपस्थिति में राउरकेला स्टील प्लांट की वार्षिक झलकियां एडीयू 2017 का विमोचन किया। इस अवसर पर जनसंपर्क विभाग के अन्य अधिकारी कर्मचारी एवं न्यूज रीडर उपस्थित थे। इस अवसर पर श्री प्रधान ने जनसंपर्क विभाग के प्रयासों की सराहना की और कहा कि आरएसपी का जनसंपर्क सृजनशीलता का इनक्यूबेटर है। उन्होंने आरएसपी की उपलब्धियों को उजागर करने में जनसंपर्क के प्रयासों की प्रशंसा की और आरएसपी को एक लाभदायक कंपनी बनाने की दिशा में कार्य करने के लिए प्रत्येक को प्रेरित किया। सभी को समृद्ध नव वर्ष 2018 की बधाई देते हुए श्री प्रधान ने आशा व्यक्त की कि नौ वर्ष में आरएसपी अत्यधिक लाभ हासिल करेगा और अधिक ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। श्री रमेंद्र कुमार ने आरएसटीवी एवं समूह के प्रयासों की सराहना की एवं सभी को अपनी योग्यता और सृजनात्मकता से आरएसटीवी को जीवंत बनाने का आग्रह किया। उल्लेखनीय है कि पहली बार एडीयू 2017 में ऑडियो विजुअल झलकियों को अन्य टेलीविजन प्रदर्शनों के अनुरूप रखने के लिए बेहतर प्रभाव हेतु एचडी और क्रोम तकनीकों का उपयोग किया गया है। प्रारंभ में वरिष्ठ प्रबंधक जनसंपर्क श्रीमती अर्चना सतपति ने उपस्थित जनसमूह का स्वागत किया एवं कार्यक्रम का संचालन किया। सहायक प्रबंधक जनसंपर्क श्री सी के शर्मा ने धन्यवाद ज्ञापित किया। एमआरडी विभाग में 28 दिसंबर को एक पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। उप महाप्रबंधक प्रभारी एमआरडी श्री एस के पाणिग्रही ने एमआरडी विभाग के एसओएसटी श्री बाबूला प्रधान को नवंबर 2017 के लिए माह का कर्मचारी पुरस्कार प्रदान किया, जिसमें एक प्रशस्ति पत्र एवं एक प्रतीक उपहार शामिल था। विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे। इस अवसर पर बोलते हुए श्री पाणिग्रही ने श्री प्रधान को बधाई दी एवं इस अच्छे कार्य को जारी रखने का आग्रह किया और इसका अनुसरण करने हेतु दूसरों को आह्वान किया। उल्लेखनीय है कि श्री प्रधान को एसएमएस 2 के लिए सड़क पर एफएसएनएल द्वारा भेजे गए स्क्रैप की गुणवत्ता को देखने में एक मजबूत अनुशासन बनाए रखते हुए कंपनी के लिए पर्याप्त बचत करने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देने हेतु मान्यता प्रदान की गई। वे एमआरडी के बेल प्रेस क्षेत्र में हाउसकीपिंग का भी कुशलता के साथ प्रबंध कर रहे हैं। उपप्रबंधक कार्मिक श्री सुश्री ज्योति औरैया ने कार्यक्रम का संचालन किया। बाद में शाम को विभाग एवं यूनिट कार्मिक के प्रतिनिधि श्री प्रधान के घर गए और उनके परिवार के सदस्यों को उन्हें संपूर्ण सहयोग करने हेतु प्रशस्ति के प्रतीक स्वरूप पुष्प गुच्छ और मिठाइयां प्रदान की। इस्पात विद्या मंदिर सेक्टर 19 का वार्षिक दिवस एवं पुरस्कार वितरण समारोह 2017 संस्थान परिसर में 20 दिसंबर को आयोजित किया गया। इस अवसर पर उप महाप्रबंधक प्रभारी नगर इंजीनियरिंग श्री प्रदीप कुमार साहू मुख्य अतिथि थे, जबकि प्रबंधक शिक्षा श्री सुधांशु कुमार मिश्र सम्मानित अतिथि थे। इस अवसर पर अतिथियों ने अपने वक्तव्य में छात्रों को न केवल शैक्षणिक क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन करने बल्कि खेल एवं कला प्रदर्शन इत्यादि जैसी गतिविधियों में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करने हेतु प्रोत्साहित किया। अतिथियों ने वार्षिक उच्चतर माध्यमिक परीक्षा 2017, इन हाउस वार्षिक परीक्षाओं, विभिन्न आंतरिक साहित्यिक सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं, अनेकों एथलेटिक मुकाबलों तथा एनसीसी गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को पुरस्कार प्रदान किया।
इस अवसर पर छात्रों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया। प्रारंभ में संस्थान की प्राचार्य श्रीमती पुष्पा खानुम ने वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। सहायक प्रबंधक शिक्षा श्री आशीष उद्गाता ने सभा का स्वागत किया, जबकि प्रबंधक शिक्षा श्री कंगर नायक ने धन्यवाद ज्ञापित किया। श्रीमती आरती सिंह एवं श्रीमती सागरिका महंती ने समारोह का संचालन किया। आज के हिंदी समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार।